साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है और ज्ञान का कोई विकल्प भी नहीं है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने भारत को उस चेतना के साथ घड़ा जो ज्ञान से प्रेरित है, विज्ञान से विभूषित है, जो बोध से बढ़ती है और शोध से सशक्त होती है। युग बदले, समय बदला, भारत ने समय के अनेक तूफानों का सामना भी किया, लेकिन जब भारत की चेतना क्षीण हुई तो देश के कोने कोने में संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने पूरे भारत को मत कर देश की आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया। उत्तर में मेरी काशी से लेकर यही पास में नंजरगुड़ दक्षिण काशी तक मंदिरों और मठों की सशक्त संस्थाओं ने गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत के ज्ञान को प्रदीप्त रखा। मैसूरू में श्री सुतुरु मठ, तुमकुरु में सिद्ध गंगा मठ, चित्रदुर्ग में श्री श्रीगेरे मठ, मृगेंद्र राजेंद्र मठ, चिकमंगलूर में श्री रंभापुरी मठ, हुबली में श्री मुरुसाविरा मठ, बीदर में बसव कल्याण मठ, अकेले दक्षिण भारत में ही ऐसे कितने ही मठों का केंद्र है जो असंख्य विद्याओं, अनंत विद्याओं को सदियों से सींचते आ रहा है।